शानदार रहा रानी मुखर्जी का कमबैक। रिलीज होते ही फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। रानी मुखर्जी ने 4 साल बाद फिल्म हिचकी के साथ कमबैक किया और शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने काफी बेहतरीन कमाई की। हम आपको ये बता दें कि इस फिल्म का बजट करीब 12 करोड़ रुपए का है। वहीं हिचकी देश भर में केवल 961 स्क्रीन्स पर ही रिलीज की गई है और विदेशों में इसे 380 स्क्रीन्स मिले हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि फिल्म अपनी लागत निकाल ले तो भी वो फायदे में ही रहेगी। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी की बात की जाए तो ये एक साधारण और सीधी फिल्म है जो आपके दिल में जगह बना ही लेगी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी नाना माथुर के किरदार में नजर आ रही हैं। ये कहानी ब्रेड कोहेन की एक बुक पर आधारित है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रानी को एक बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है और स्कूल में बच्चे रानी को नए नए तरीकों से परेशान करते हैं। फिर भी रानी इन सबसे संघर्ष करती हुई अपने आप को लायक साबित कर ही देती हैं। आज हमारे हाथ में रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी की सेकेंड डे कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है, जिसके नतीजे वाकई चौंका देने वाले हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म ने अब तक 7.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जो कि बहुत ही जल्द फिल्म की लागत निकाल ही देगा। जिस हिसाब से फिल्म का बजट है और जिस पटल पर ये फिल्म बनी हुई है, उस हिसाब से ये स्टार्टिंग कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा है। यदि आप समय नहीं निकाल पाए हैं रानी मुखर्जी की इस फिल्म को देखने जाने के लिए, तो अब भी वक्त है, इस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा। इसके संबंध में अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा और इस तरह की खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जल्दी ही फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।